5743973 ये आपका नंबर है? हाँ, इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, आप दोस्तों बता दो। नौकरी करनी थी डिफेंस में, जैसे कि इंडियन आर्मी बनो नहीं तो BSF, तो सब छोड़ के अब डांस में घुस गई हूँ मैं। तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोल लेती होंगी? अच्छा, आप हाँ बोल लेते, उतना खास नहीं बट बोल लेते। गारी जी को पहचानती हैं? उसको कौन नहीं पहचानते हैं। मन है स्टेज शेयर करने का खेसारी जी के पास? बहुत है? हाँ, तो रशियन जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे ना। यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि नहीं। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं SEO न्यूज़। चलिए नमस्कार, स्वागत है आपका SEO न्यूज़ में, और मैं हूँ आपके साथ यूनुस। इसके पहले जो आप वीडियो देखे होंगे, ये एक वायरल लड़की का वीडियो था जो कि नृतंगना है और डांस करती हैं। शादी ब्याह हो या महावीरी फेस्टिवल चल रहा है, इसमें ये लोग डांस करते हैं। हालांकि बंगाल से बिलोंग करती हैं। हम तमाम बातचीत जानेंगे, क्या मजबूरियाँ रह गई थी, इतना पर्सनालिटी अच्छा होते हुए भी एक बेहतरीन यूट्यूबर है। मैं आपको बता दूं, ये एक बेहतरीन यूट्यूबर हैं, ब्लॉगर हैं। पहले ब्लॉग करती थी, यूट्यूब बनाती थी, जब यूट्यूब पर चमकी तब इन्होंने डांस का फील्ड चूज किया। हालांकि आप लोग कई ऐसे प्रोग्राम में देखे भी होंगे इनका डांस। हम तमाम बातचीत जानेंगे, मजबूरी क्या है इस लाइन को चूज करना। सबसे पहले आपका नाम? दिशा। दिशा, कहाँ से बिलोंग करती हैं आप? कलकत्ता। कलकत्ता से? बिहार आप कब आई थी? बिहार 3 साल। 3 साल पहले बिहार आई थी? उसके पहले आप क्या करती थी? मैं एक स्पोर्ट्स मैन हूँ। क्या है आप? मतलब स्पोर्ट्स मैन हूँ। स्पोर्ट्स मैन है? हाँ। मायने समझिए कि क्या हो रहा है, मतलब स्पोर्ट्स मैन मतलब? मतलब जैसे कि मुझे नौकरी करनी थी डिफेंस में, जैसे कि इंडियन आर्मी बनो नहीं तो BSF, तो सब छोड़ के अब डांस में घुस गई हूँ मैं। इसके पहले मतलब तैयारी की है डिफेंस का? हाँ, पूरा तैयारी थी बट फैमिली नहीं मान रही थी। क्यों? ऐसे मेरा फैमिली मतलब स्टैंडर्ड फैमिली है तो पसंद नहीं करती है वो लोग। तो ये डिफेंस लाइन के लोग पसंद नहीं करते हैं और ये डांसर पसंद करते हैं? नहीं करती थी तो ऐसे ही मतलब बहुत लफड़ा होती थी घर में, तो फिर भी मैं नहीं छोड़ी हुई है, वो छोड़ के मतलब डांस लाइन में मैं घुस गई हूँ। तो घर के सहमति से बिहार आई हैं आप या अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आई हैं? घर जाती हैं? हाँ, अब मान लिया है सब कुछ। अब मान लिया है? कई यूट्यूब चैनल है आपका? कितने यूट्यूब चैनल है? चार यूट्यूब चैनल है। सब्सक्राइबर सबसे ज़्यादा किस पर हैं? सोमिक म्यूजिक पे। कितना है सब्सक्राइबर? अभी तक 1 मिलियन नहीं हुआ है बट हो जाएगा जल्दी। जल्दी हो जाएगी? 8-9 लाख हो गया है सब्सक्राइबर। हाँ। इसके पहले भी यूट्यूब चलाती थी डांसिंग आने से पहले? जब डांस लाइन में मैं नई नहीं हूँ तब नहीं चलाती थी। अब 1 साल हुआ है मैं खुद चैनल खोली हूँ, इससे पहले भैया की चैनल थी। भैया? तो हाँ, तो उसका ही चैनल पे वो मेरा डांस छोड़ते तो आज मैं खुद चला रही हूँ यूट्यूब चैनल। अच्छा, पहले की ज़िंदगी में और अभी मतलब क्या रियलाइज होता है? एक डिफेंस लाइन में गई हूँ तो अच्छा होता है या अभी ठीक है? दोनों ही ठीक है। वो पहले बचपन का एक शौक थी जो मैं मतलब इंडियन आर्मी बनूंगी, BSF बनूंगी तो देश के लिए लड़ूंगी, बट अब वो जब फैमिली नहीं मान रही है तो छोड़ दिया। अब इसमें भी मैं बहुत खुश हूँ, लोग जान रहे पहचान रहे, जहाँ जाती हूँ लोग बुलाती है, एक अलग पहचान बन गई है मेरी। अलग पहचान बन गई है? लेकिन हमें तो लग रहा है जहाँ डिफेंस लाइन था, फैमिली तो पूरा एग्री होगा इस लाइन में चूज करने के लिए, अच्छा लाइन तो डिस्क सेवा था, फिर ये डांसिंग जानती है बिहार में, किस नज़रिए से देखा जाता है डांस को, मालूम है? हाँ मालूम है, फिर भी मेरा शौक है, एक कला है, सबका ही थोड़ी होता है, मतलब सब लोग मतलब डांसर होते तो हो ही जाता ना, मेरे अंदर भगवानों कला दिया है तो मैं करती हूँ। बिहार में, पूरा बिहार में आप डांस की हैं? आप पूरा बिहार में नहीं, मतलब कई कई जगह पहचान दूँ, उतना देर तक हम नहीं रुकते थे, आते लगन में 1 महीना 20 दिन रहकर चले जाती, क्योंकि घर का फैमिली का थोड़ा प्रॉब्लम चलती है इसीलिए। अच्छा, आप सीजन में आती हैं, सीजन में चली जाती हैं आप। अच्छा, एक बात बताइएगा, मंच शेयर करने में, स्टेज शेयर करने में कैसा रियलाइज़ होता है आपको बिहार में, मतलब महसूस कैसे होता है? बिहार में उतना मतलब उतना खास नहीं जितना हम सोचते, बट बंगाल पे बहुत अच्छा लगता है। बंगाल में भी डांस करती हैं आप? हाँ, बंगाल पे ही ज़्यादातर करती हूँ मैं, यह बहुत कम, इस बार ही पहले बार अखाड़ा कर रही हूँ मैं। अच्छा, मेला पहली बार कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, अगर आपसे कोई कॉन्टेक्ट करना चाहे आपसे तो फिर कैसे कॉन्टेक्ट करेगा? नंबर आप जारी कीजिएगा अपना सटा करने के लिए।
हाँ ज़रूर। हाँ बताइए, नंबर बताइए अपना। 9835743973 ये आपका नंबर है? हाँ, इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करोगे तो मिल जाएगा। अच्छा, आप मतलब साटा करने के लिए आपसे लोग मुलाकात कर सकते हैं? हाँ। अश्लीलता के बारे में क्या कहेंगे? आप तो पढ़ी लिखी अंग्रेजी बोल लेती होंगी। अच्छा, आप हाँ बोल लेते, उतना खास नहीं बट बोल लेते। अंग्रेजी अच्छा आती है आपको? उतना खास नहीं क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो बांग्ला में ज़्यादा पढ़ाई किया, इंग्लिश में उतना नहीं। भोजपुरी गाना समझ में आता है? अभी थोड़ा आ जाता है, पूरा क्लियर नहीं, मतलब लिपसिंग कर लेती हैं? हाँ लिपसिंग कर लेती हूँ बट पूरा नहीं आती है। कुछ कोई गाना जो गुनगुनाइएगा? नहीं, उससे नहीं होगा। अच्छा, फिर अब कितने दिन तक रहना है आपको बिहार में? अभी 10 तारीख या 15 तारीख तक रहेंगे क्योंकि बंगाल में मेरा काम है। बंगाल में काम है, फिर आगे मतलब बिहार आ पाइएगा? फिर लगन में आएंगे क्योंकि दशहरा से लगातार हम लोगों का काम है। अच्छा, तो एल्बम वगैरह में मौका मिला है नहीं या मौका खोज रही है एल्बम में? एल्बम में मतलब पहले नॉर्मल जो होता है हम लोग बंगाल पे करती थी बट उतना अच्छा नहीं लगती है मेरे को, कोई लड़का के साथ करूँ ये अच्छा नहीं लगती है, बट शौक है बिहार में मतलब करूँगी बट अभी तक मौका नहीं मिला है। और मौका मिल मतलब दो एक बोला है, मेरे को टाइम नहीं होता है, बंगाल रहती हूँ तो शौक तो है। हाँ करूँगी। खेसारी जी को पहचानती हैं? उसको कौन नहीं पहचानते हैं। मन है स्टेज शेयर करने का खेसारी जी के पास? बहुत फैन है। किनकी फैन है आप? में किनकी फैन है? कौन आपको सिंगर अच्छा लगता है? सब लोग ही अच्छा है। एक खेसारी के साथ मंच शेयर करना? हाँ बहुत शौक है, हाँ उसके साथ मैं डांस करूँ खेसारी जी के साथ। अच्छा, अंतिम सवाल यही रहेगा आपसे, जो लोग गलत नज़र से देखते हैं आर्केस्ट्रा को, उन लोगों को क्या कुछ कहिएगा? उसके बारे में क्या कहूँगी, जो बोलने वालों को बोलने दो, हमको क्या, जो लोग इतना बोलेगा हम उतना ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि उन लोगों को दिल में हम बैठ गए। अच्छा, तो सीवान जिला है, माही मनीषा पहले फेमस हुई थी, उसके बाद से काजल राज इसी धरती से फेमस हुई, एक छोटी सी लड़की आई थी गुड़िया काफ़ी ज़्यादा फेमस हुई लेकिन वो फरार हो गई। अब ये दिशा हैं जो कि आप देखे होंगे, लेकिन कई लोग कयास लगाते हैं कि आप अंग्रेज हैं, आपके जो फेस से स्टाइल है अंग्रेज की तरह है। मुझे अच्छी लगती है, मतलब शौक है, मैं रशियन में रहूँगी बट इधर का अच्छा नहीं लगता इंडियन कल्चर। अच्छा, फेस रशियन की तरह है ना, मुझे ऐसा शौक है मैं रशिया में जाऊँगी वहाँ पर सेटल होंगे तो कई लोग तो कहते होंगे कि विदेशी लड़की है। हाँ तो रशियन जाएंगे तो विदेशी हो जाएंगे ना। यहाँ पे कई लोग कहते हैं कि नहीं कि एकदम विदेशी की तरह है लड़की है तो वो विदेशी।